साल 2024 कई मायनों में बेहद ही खास है। इस साल सबसे बड़ा और दिव्य नजारा देखने को मिलेगा जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर में उत्साह का माहौल है, इसी के चलते छोटी काशी भिवानी के मंदिरों को सजाया जा रहा है। वहां निरंतर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। भगवान राम में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर काफी उत्साह है। लोग टोलियां बनाकर अयोध्या की तरफ पहल कर चुके हैं। वहीं जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे वो स्थानीय स्तर पर ही मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले हैं, जिसके लिए मंदिरों को फूल मालाओं लड़ियों तोरण से सजाया गया है। स्कूलों के छात्र भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तारीख को लेकर हमारे स्कूल में राम को लेकर श्री रामचंद्र जी को लेकर तैयारियां चल रही है। हम रोज स्लोगन बोलते हैं, शाम पट पर श्री राम जी के स्लोगन लिखते हैं, श्री राम जी की तैयारियां कर रहे हैं। 22 तारीख को हमारे घर पर सभी के घर पर दिवाली बनाई जाएगी। घरों को दीपों से सजाया जाएगा। दिवाली के रूप में हम श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 22 तारीख को श्री राम जी का जो अयोध्या में मंदिर है वो खुलने जा रहे हैं। हम इसकी बहुत तैयारी कर रहे हैं। भिवानी के प्रसिद्ध जोगीवाला मठ के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि 22 जनवरी को पूरे भारत में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर दीपावली जैसा माहौल रहेगा। मंदिरों को सजाया जा रहा है, यहां पर घी के दिए जलाकर भगवान राम का स्वागत होगा। खेच करके पूरे ही मंदिरों में, वैसे तो भिवानी क्या पूरे देश के अंदर ही हर मंदिरों में पूर्ण रूप से सजावट वगैरह कर मूल रूप से मैं शिव मंदिर जोगी वाले की मेरी तरफ से महंत वेदनाथ जी की जो त्याग तपस्या मूर्ति थी उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के उससे आज जो ये कायाकल्प है जो आज प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की अयोध्या में होगी, तो उन्हीं की आशीर्वाद के रूप में पूरे मंदिर में फूलों से श्रृंगार किया जाएगा और दिन में 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। शाम को रात को सारे मंदिर के अंदर ज्योत दीप दिवाली के उत्सव की तरह ही मनाएंगे। वहीं इस मौके पर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि उनके आश्रम में निरंतर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन करवाया जा रहा है। आश्रम में जो वार्षिक उत्सव चल रहा था, अपनी खुशियाँ बड़ी अपार है। इस वर्ष श्री राम मंदिर जन्मभूमि का जो राम मंदिर है तो निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम अजर राम वहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे। उस अवसर पर शुक्रवार आश्रम में भंडारे के साथ साथ में कल से और सुंदरकांड का पाठ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोग्राम प्रारंभ कर दिए गए हैं। और अभी एक प्रतिपदा से हम स्वचंडी यज्ञ की संकल्पना करते हैं, उसके प्रारंभ करेंगे। इसकी पूर्ण आहुति 22 तारीख को राम प्रतिष्ठा के पूर्ण हवन होगा तभी होगी। राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा के चलते हर कोई राममयी होकर इस मंगल दिन का इंतजार कर रहा है। ये दिन बेहद ही खास होने वाला है, हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। भिवानी से सूर्य समाचार के लिए इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।